हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि बीट एक्सपी मार्फ नियो स्मार्ट वॉच को आप लोग कैसे रीसेट कर सकते हो। अगर आपके पास एक बीट एक्सपी मार्फ नियो स्मार्ट वॉच है और इस वॉच को जो है आप लोगों को रीसेट करना है, आपको जो इस वॉच को बेचना है, या आपका जो ये वॉच है बहुत ही हैंग हो रहा है, या आपके इस वॉच को जो है यहाँ पर आप लोगों को फ़ोन के साथ एकदम डिसकनेक्ट कर देना है, तो रीसेट करने से ये सब हो जाते हैं। अगर आप लोगों को जो यहाँ पर रीसेट करना नहीं आ रहा है, रीसेट का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप लोग जो इस वॉच को रीसेट कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वॉच को रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पर ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जैसे आप लोग अपने फ़ोन में करते हो ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए या डाटा को ऑन करने के लिए, तो वैसे ही आप लोगों इस वॉच में भी आप लोग ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस सिस्टम का, तो इस सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट वाला ऑप्शन है रीसेट का, तो यही है गाइस रीसेट का ऑप्शन। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर एक ग्रीन कलर का राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस ग्रीन कलर के राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो वॉच है गाइस यहाँ पर से रीसेट हो जाएगा, तो सब यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा। अगर फ़ोन के साथ कनेक्ट था वो भी डिसकनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे करके आप लोग अपने बीट एक्सपी मार्फ नियो स्मार्ट वॉच को आप लोग रीसेट कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।